हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। कोविड अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो फिर भी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है, और सेहत का ख्याल रखें अपनी। ऐसा नहीं कि सब कुछ खुल गया तो ठीक। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एक नोट ये है, नोट डाउन करना ये नोट। अभी नोट क्या कह रहा है देखते हैं। नोट कह रहा है, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी डिस्टेंस नंबर टेकन एज अ होल वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो ये रूल ये बोल रहा है कि जब कोई प्लूरल नाउन डिनोट करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी डिस्टेंस या नंबर को, लेकिन वो जो क्वांटिटी दिखा रहा क्या है, वो प्लूरल है। जैसे कोई है ग्रुप ऑफ समथिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लूरल थिंग्स हैं एक साथ। मान लो अगर पेन है, एक नॉर्मल केस ले रहा हूँ कि अगर मान लो पेन का ग्रुप है, ठीक है, अगर वो एक क्वांटिटी शो करता है पूरी, तो उसके आगे क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मतलब क्या हुआ इसका देखो एक बार। एग्जाम्पल खाली समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर एज अ होल क्वांटिटी ली जा रही है, जैसे ग्रुप ऑफ समथिंग है लेकिन उसे एक एक ही क्वांटिटी माना जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कब आती है? जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पर क्या है तो पूरा प्लूरल नाउन, वो क्या बोल रहा है? प्लूरल नाउन होता है, लेकिन उसे हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? एज अ होल, एक ही चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है? वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख रहे हैं, 200 किलोमीटर्स। एक चीज़ याद रखना ना, कभी भी यहाँ पर ना अगर नंबर आ रहा है, अगर नंबर आ रहा है तो सामने वाला जो भी आपकी यूनिट होगी ना, वो हमेशा प्लूरल में होगी, ठीक है। जो जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर्स करेंगे उसे हम 200 किलोमीटर्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्लूरल नाउन डिनोट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, देखो ना ऐसे केसों में होता क्या है ना, अगर कहीं पर डिवीज़न नहीं है, कहीं पर कि हम कुछ ही बांट रहे नहीं है, ऐसी चीज़ों में अगर हम उसे एक ही चीज़ मान रहे हैं, मतलब ऑन द होल एक ही चीज़ मान रहे हैं, तो उस केस में क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो जैसे 200 किलोमीटर इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब उसने क्या कहा कि प्लूरल नाउन है लेकिन एक पर्टिकुलर थिंग शो कर रहा है ना, एक होल नंबर बता रहा है, तो उस केस में क्या होता है? हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या सिंगुलर वर्ब क्या होगी इसमें? इज यार, इज होगा ना, ठीक है। अब जैसे ले सकते हो यहाँ पर कि 200 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस है ना। सेकेंड वाला देख रहे हैं, ठीक। 500 kg इज या आर अ बिग क्वान्टिटी। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? 500 kg। यहाँ पर क्या कहता है? एस किया था, यहाँ भी ऐसा आएगा? नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 500, जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू लग जाती है ना, ये हमेशा प्लूरल में आ जाता है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि अगर प्लूरल नाउन एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो उसके इसमें क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। क्या हो गया? इज हो गया। देखो ना, इज ए बिग क्वांटिटी बोल रहा है, वो एक क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस है या फिर एक अमाउंट है, हम उसे कंसिडर क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं, भले ही वो प्लूरल आ रहा हो लेकिन उसे हम क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। तो सिंपल थर्ड वाला देखो ना, 2 करोड़ रुपी है, रुपीज़ है, रुपीज़ है, सही है। क्या आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक, समझे। वही बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, देखो ना हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अ लॉन्ग डिस्टेंस बोल रहे हैं, एक मान रहे हैं ना उसे, तो उस केस में क्या होगा? अ बिग क्वांटिटी, अ बिग, हमेशा क्या आएगा? प्लूरल सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये जो है यहाँ पर देख लेना, अगर सामने कोई नंबर है तो यहाँ पर किलोमीटर्स या केजीज या फिर करोड़ रुपीज़ में आएगा, ठीक। ये देख लिया, नेक्स्ट नोट में चलते हैं। व्हेन वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। अब बहुत बार होता क्या है कि जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये मिसेलिनियस मान लो, ये खाली एक कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज होंगी, मिसेलिनियस मतलब कहीं पर भी रूल रूल आ जाते हैं, ठीक। चलो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखें, 2 लाख रुपीज़। मैंने क्या कहा था? जहाँ पर भी क्वांटिटी ये होगी सामने क्या आना चाहिए? प्लूरल है, मतलब ये ठीक है। वॉज वो डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी देखो इस केस में क्या हो रहा था ना, हम उसे एक मान, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, हम उसे एक मान रहे थे। ये देखो ना, ए यहाँ पर आ रहा है तो उस क्वांटिटी को हम एक कंसिडर कर रहे हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है? कुछ रुपीज़ थे वो क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट किए गए।
मान लो कुछ रुपीस थे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अब क्वांटिटी ये हो रही ना, डिवाइड हो गया। मैंने पहले भी कहा कि अगर उसे डिवाइड किया जाएगा तो बट मतलब अलग अलग सेक्शंस में आ जाएगा, तो ये क्या हो रही है, देखो ये प्लूरल हो रही है ना। इस केस में क्या था, ये प्लूरल था लेकिन एक पूरी क्वांटिटी हो रही थी। यहाँ पर मान लो कोई एक वो है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो अलग अलग हो गए ना, बाइफरकेट कर दिया उसे। तो इस केस में क्या आना चाहिए, टू रुपीज वॉज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बैगर्स। अब क्या कहा है उसने कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, प्लूरल है, वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे एक क्वांटिटी है ठीक है, एक लॉट आया, मान लो ये वीट का लॉट था ठीक है, यहाँ 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 इतना बांट दिया बांट दिया बांट दिया, ये क्या हो गया, प्लूरल में आ गया ना। तो वही सेम चीज़ हो रही है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। ठीक, सेकेंड देखते हैं, 90 स्टूडेंट्स हैज़ हैव पास्ड, 90 स्टूडेंट्स, 90। देखो सबसे पहले क्या देखना, 90 है ना, 90 के बाद क्या आएगा, स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा आना चाहिए, सेम केस हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं ठीक है, 90 लोग हैं टोटल, उनकी जो काउंट हो रहे हैं तो टोटल 90 लोग हैं। तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्लूरल में है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती हैव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर या इज 90। सबसे पहले ना देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है द नंबर ऑफ, वहाँ पर भी क्या था, वन ऑफ। मैंने कहा था, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑफ कहीं भी आपका आए, ऑफ कहीं भी आए, ऑफ के बाद कुछ भी आए ना, ये हमेशा प्लूरल में ही ले लेना। ऐसे सी सी जी एल एन डी एफ एन डी कहीं पर भी ना क्वेश्चन ऐसे ही लिए जाते हैं कि ऑफ के बाद क्या। देखो क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं, कोई एक पेपर दूसरे पेपर के लिए लेता है, दूसरा पेपर तीसरे, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं। तो देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, मैंने कहा हमेशा कहा है कि अभी क्या होगी, द नंबर इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, नंबर कर रहे हैं, नंबर क्या है, एक क्वांटिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले नहीं किया था क्या। देखो ऊपर आई बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड वाला, शायद मेरे को याद नहीं है, अब पता नहीं मैंने क्या डाला है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जो पहले वाली क्वांटिटी होती है ना, कोई भी क्वेश्चन है ना, वन ऑफ वो ऐसा द नंबर ऑफ वन ऑफ, तो जो सब्जेक्ट जो वर्ब चेंज होगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगी ठीक है। द नंबर एक नंबर पूछ रहा है, तो एक क्वांटिटी पूछ रहा है ना, वो एक नंबर। अब सेकंड देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो ये क्वेश्चन ना गौर से देखना थोड़ा सा, ये जो ये है ना ये एक्सेप्शन आता है, हाँ अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा ना आर आता है, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये थोड़ा ना नोट करने की चीज़ है, ये देख लेना, ये दोनों केसेस रूल है यार, अब क्या करें बताओ ना। ये मैंने आपसे कहा है कि ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा देख लेना, द नंबर ऑफ वन ऑफ, ये वन ऑफ वाला केस है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ वाले के साथ हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो ये थोड़ा देख लेना क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तब बोल रहा हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मैंने इसीलिए एक साथ इन दोनों को एक्सप्लेन करा है। अब देखो जैसे क्वालिटी ऑफ दिस या दीज एप्पल इज या आर गुड। अब देखो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी एडजेक्टिव हो ना, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ की खासियत हो गई ठीक। तो क्वालिटी क्वालिटी क्या होगी, सिंगुलर होगी ना, ऑफ देखो यहाँ पर क्या है, एप्पल्स है ना, एप्पल्स है, एप्पल्स में क्या आएगा, दी जाएगा ठीक है। देखो अगर यहाँ पर एप्पल होता तो यहाँ पर हम दिस लेते, अगर दीज है तो क्या आएगा, एप्पल्स है तो क्या आएगा, दी जाएगा ठीक है, यहाँ पर कंफर्म। अब देखो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, चेंज क्या आएगा, ये जाएगा, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना ठीक। लास्ट वाला देखते हैं, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ऑफ कहीं भी दिख जाए ना, ऑफ कहीं भी दिख जाए, नेक्स्ट वाला हमेशा प्लूरल होगा, इतना याद रखना, और कहीं पर भी दिख जाए। देखो एक्सेप्शन ना मैंने सिर्फ तुम्हें ए नंबर वाले में बताया है, बाकी तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए द न्यूअर, कुछ देखो ना हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज करना,
हमेशा इसके अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर में है तो यहाँ ना सिंगुलर आएगा, क्या आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, वॉसेज आना चाहिए। एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पर है, आँख मूंद के वो कर देना है, कहीं पर भी कुछ है आँख मूंद के लगा दो, मैं गारंटी में लेता हूँ चलो इस चीज़ की, ठीक है। सिर्फ अ नंबर ऑफ के साथ आर आएगा, बाकी कहीं पर भी ऑफ वाला आएगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इतना याद रखना, बस हो गया, ठीक। अच्छा एक छूट गया ना, हाँ नंबर्स, हाँ अब देखो द नंबर ऑफ वही है ना, देख रहे हो द नंबर ऑफ आ गया, ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, ऐसे है, ठीक है। सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, परसेंटेज है ना, परसेंटेज क्या होगा, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ क्या आता है, ये जाता है, सही है, ये पूरा सही है। तो देख लो ये चीज़ ऐसे ही सॉल्व होंगी, बाकी कोई डाउट है तो एक बार देख लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अ नंबर ऑफ, ये एक्सेप्शन है थोड़ा, ये एक्सेप्शन है, इसे देख लेना। बाकी मैं बोल रहा हूँ आँख मूंद के आंसर लगाओ तुम, कहीं पर भी कुछ आता है ना ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ले ही लेना, ले लेना, क्या आता ही है, चेंज कोई नहीं करेगा। जो पेपर बनाने वाले हैं वो बवाल कटाई करते हैं, इतना मैं बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ के हमेशा ये आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वर्ब चेंज होगी, ठीक। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कहीं पर भी कुछ अगर इससे एक्सेप्शन कुछ मिलता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा, पर पक्का डालो उसे, ठीक है ना, ये नोट कर लो।